हेलो इंडियन, आज की इस वीडियो में समझेंगे कि भारत के नेवी के द्वारा नेवल मिलन एक्सरसाइज 2024 किया जा रहा है और इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है और ये कैसे चाइना के लिए कार बन सकता है। समझते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के, और इसमें जो है दुनिया भर के देश आ रहे हैं। इसका आयोजन पहली बार 1995 में किया गया था भारत के द्वारा, और उस समय चार देश भाग लिए थे, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर इसको नक्शे पे देखेंगे तो ये रहा श्रीलंका आपका, ये हो गया इंडोनेशिया जो कि पूरा द्वीप में छिटाया हुआ है, और ये थाईलैंड और यहाँ पे आपका सिंगापुर। चार देश शुरू में भाग लिए। ये जो मिलन एक्सरसाइज है ये बाइलिनियल इवेंट यानी दो वर्ष पे एक बार होता है। 1995 में हुआ था, 97 में, फिर 99 में, 2001 में होना था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के हेड होने के नाते वो जो है समीक्षा करते हैं अपने बेड़े की, उसमें युद्धक विमान, पनडुब्बी, फिर से जो है फाइटर प्लेन सारा आता है और उसको जो है वो देखते हैं, परेड होता है वहां पे, तो वो हुआ था। इस वजह से यहाँ पे 2001 में जो है मिलन नेवल एक्सरसाइज नहीं हुआ। फिर 2003 में हुआ, 2005 में भी होना था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि जो है हिंद महासागर में अगर आप देखेंगे तो सुनामी आ गया था, जिस वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ था। इसका जो ईपी सेंटर अगर देखेंगे, केंद्र जो था तो ये सुमात्रा में था इंडोनेशिया के, और यहाँ पे श्रीलंका, तमिलनाडु, थाईलैंड, मालदीव, ये सारे देश जो इसके रेंज में आए थे वहां पे बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ था। दो ने दुनिया भर से 50 देशों को बुलाया है इस मिलन नेवल एक्सरसाइज में। सोचिए भारत का दबदबा कितना बढ़ गया है पूरे विश्व स्तर पे कि उसके कहने पे 50 देश के नेवी जो है इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं जो कि अभी चल रहा है आयोजन। और देखेंगे तो दुनिया के इसमें शक्तिशाली देश भी आए हैं, जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस, इस तरीके के देश भी इसमें आए हैं। और यहाँ तक कि देखिए जो दुश्मन देश है एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, भारत के कहने पर वो भारत के यहाँ आए हैं, जैसे ईरान, रशिया, उसके बाद अमेरिका, ये तीनों देश यहाँ पे आए हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका में दुश्मनी है और ईरान और अमेरिका में भी दुश्मनी है, क्योंकि जो है ईरान सपोर्ट कर रहा है हमास को और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, जिस वजह से दोनों में दुश्मनी चल रहा है। फिर भी जो है भारत के कहने पर तीनों यहाँ पर आ गए, तो आप भारत को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पावर कितना ज्यादा बढ़ गया। उसके अलावा और ये तो सारे देश तो आ ही रहे हैं, साथ में जो है अपना और जंगी जहाज को भी साथ में लेकर आए। जैसे देखिए अमेरिका का जो है हैसली डीडीजे और 97 जो है जहाज अमेरिका लेकर आया है, उसी तरीके से ये जो ऑस्ट्रेलिया का है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का, और ये जो है क्रूजर लेकर आया है रशिया। इस तरीके से तमाम देश अपने जो है जहाजों को लेकर आए हैं, ये देखिए आयोजन चल रहा है इस तरीके से। अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भारत ने पहली बार जो है इस मिलन नेवल एक्सरसाइज में अपने दोनों विमान वाहक आईएनएस विक्रांत और जो है आईएनएस विक्रमादित्य को उतार दिया है। देखिए ये दोनों जो है विमान वाहक हैं, युद्ध के समय में इस पे जो फाइटर प्लेन को लैंड कराया जाता है और टेकऑफ कराया जाता है। इसके अलावा भारत जो अभी तीसरा जो है विमान वाहक को बना रहा है आईएनएस विशाल, इसकी क्षमता जो है आपका 36 जो है विमान को यहाँ पर रखेगा, इसका 40 है और आईएनएस विशाल बन रहा है। क्योंकि देखिए भारत का जो है समुद्री सीमा देखेंगे तो इधर से अरब सागर हो गया, नीचे में आपका हिंद महासागर हो गया और इधर जो है बंगाल की खाड़ी, तीनों तरीके से समुद्री सीमा है तो एक लंबा तटीय रेखा हो जाता है, तो इसलिए जो है तीन तीन विमान वाहक चाहिए। और इसका पाकिस्तान का औकात इतना ही से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास एक भी जो है ऐसा विमान वाहक नहीं। भारत जो है 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था, यानी LEP 1991 में आया था ये लुक ईस्ट पॉलिसी। भारत को एक अच्छा अर्थव्यवस्था बनाना है तो जो इसके पूरब के देश है उसके साथ भी जो है इसको ध्यान देना होगा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, यहाँ पे देख सकते हैं। तो भारत जो है इन सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था उस समय, और इससे भारत को फायदा भी हुआ था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है मुक्त व्यापार समझौता। इसमें भारत जो है जैसे इन सब देशों को कह दिया कि अगर आप भारत में आइएगा व्यापार करने के लिए तो आपको कम टैक्स लगेगा, इस तरीके से एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, फिर वो देश भी एग्रीमेंट करेंगे, तो इस तरीके से व्यापार बढ़ता है दोनों देशों के बीच में, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, आयात निर्यात जो है बढ़ता है। और उस समय मेनली ज्यादातर फोकस हम लोग का था एशियान कंट्रीज पे, जो एशियान देश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन जो है इसमें 10 देश आते हैं, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, उसके बाद सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सारे मलेशिया देश जो है 10 देश आते हैं, तो मेनली उन्हीं लोग के साथ ये फोकस था। लेकिन हमारे मोदी जी आए 2014 में, इन्होंने कहा कि लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदल के इन्होंने रख दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, AEP, एक्ट ईस्ट पॉलिसी,
इन्होंने कहा कि केवल हम लोग पूरब के देश के साथ ही, पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में जितना देश है सबके साथ हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। यानी देखिए इंडो पैसिफिक रीजन कहने का मतलब है जो ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र, इसमें जितना देश आते हैं इन्होंने कहा कि सबके साथ हम लोग स्ट्रेटेजिक बनाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है यहाँ पे हम लोग हब बनाएंगे और म्यांमार से होते हुए ये पूरे देश में हम लोग व्यापार करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे दूसरे देश में और उधर से भी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे भारत में। ये इन्होंने जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, और जिसके तहत भारत जो है दुनिया भर के कई सारे देशों में जो है इधर नेवी का बेस बना रहा है, यहाँ पे जो है व्यापार जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब देखिए समझते हैं कि चाइना किस तरीके से भारत को हिंद महासागर में घेरने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह बना दिया, ये म्यांमार में भी जो है अपना पोर्ट बना दिया है यहाँ पे सिटी में, और उसके बाद जो अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में बना दिया, यानी पूरे इंडिया को इस तरीके से घेर रहा है इधर से देखिएगा तो, क्योंकि जो है चाइना अपना व्यापार इधर ही से होते आता है, मलाक से होते हुए इसका 80% जो है कच्चा तेल इधर इसी रास्ते से जाता है, 60% इसका व्यापार जो है इधर ही रास्ते से होते हुए जाता है हिंद महासागर होते हुए, इसीलिए सोच रहा है कि हिंद महासागर में कैसे अपना पकड़ बनाया जाए और भारत को जो है यहाँ पे दबाया जाए। तो भारत को चला था ही दबाने, ये नहीं जानता है कि इसका ह्यूएनटी सॉन्ग जो है भारत में ही आया था शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में, ये अंडा सिखा रहा है हम लोग को बच्चा को, भारत ने कहा रुक 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 तुम हम लोग को सिखा रहा है, भारत ने क्या किया कि तुम भारत को घेरोगे ना हम तुम्ही को पूरा घेर लेते हैं। चाइना को देखिए भारत जो है नेवी का बेसिस बना रहे हैं, आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ईरान में बना रहा है, ईरान में यहाँ पे चाबहार बंदरगाह बना रहा है, इधर देखिए तो ओमान में बनाया हुआ है भारत, फिर जो है इधर सिंगापुर में, यहाँ पे सिसिली जो है आइलैंड है यहाँ पे, इस तरीके से वियतनाम में, जापान में, मंगोलिया में, इस तरीके से पूरे चाइना को घेर रहा है भारत। यानी ये चला था इंडिया को घेरने के लिए इस तरीके से, भारत का ग्रुप तुम्हारा बाप है, इस तरीके से ये पूरा जो है भारत इसी को घेर लिया, देखिए इस तरीके से, इसमें पाकिस्तान भी आ गया बेचारा। तो भारत जो है सागर स्कीम के तहत जो है नेवी का बेस बना रहा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसके तहत जो है वो नेवी का बेसिस बना रहे, और जिस वजह से इसका कहना है भारत का कि इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार करने में किसी भी देश को दिक्कत ना हो, क्योंकि इधर देखिए सोमालिया का डाकू भी जो है लूटपाट कर रहे थे तो उसको इलाज करने के लिए, और मेन इलाज किसका करना है चाइना का, चला था इंडिया को घेरने के लिए। और जो इंडिया का भी नेवल मिलन एक्सरसाइज हो रहा है इसमें ज्यादातर जो है ये इंडो पैसिफिक के देश को ही बुलाया गया, अगर देखिएगा तो ये इंडो पैसिफिक का देश को बुलाया गया ताकि जो है चाइना का वर्चस्व इधर से क्या हो कम हो, इसलिए भारत ने जो है इंडियन नेवल मिलन एक्सरसाइज में देशों को बुलाया है। तो आई थिंक आपको हम पूरा मामला को समझा दिए कि कैसे इंडियन नेवल मिलन एक्सरसाइज जो है पूरे इंडो पैसिफिक के देशों को जो है भारत के साथ अच्छा संबंध बनाने में मदद करेगा। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।